अध्यक्ष महोदय को शमशेर की कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। हम पीछे मुड़कर न देखें, सामने ही देखें, शायद उसकी नजर आईना बने, हम सबकी नजर उसका आईना बने और हम उसको देखें जो हमारा आने वाला व्यक्ति है और हम उसको देखें जो हमारा आने वाला व्यक्ति है, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। ऋषभदेव जी और मित्रों, ये तो स्वतः सिद्ध है कि इस यादगार सम्मेलन में आप लोग दो दिन से बहुत सारी उन विमाओं को देख रहे हैं जो शायद पहले कभी सोची न गई हों, जिसका नाम शमशेर है। और शायद शमशेर की शख्सियत ही ऐसी है कि हम लोग उनके साथ जो संवादरत हुए हैं इस संगोष्ठी में, वो बल भी वहीं से प्राप्त हुआ है। मित्रों, मूल रूप से ये कहना चाहिए कि ऐसी जो बड़ी सृजनात्मक प्रतिभाएं हैं उनके अर्थ अपने समय में न खुले हों, लेकिन धीरे धीरे जब उनसे रूबरू होते हैं तो धीरे धीरे नए नए अर्थ खुलते जाते हैं। और जाहिर है कि शमशेर में एक तरफा ये अर्थ नहीं खुलते। शमशेर एक कवि हैं, उसके तौर पर तो हम उन्हें पढ़ते हैं, उनको सराहते हैं, उनके रचनाओं के बीच गुजरते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे और कहाँ दूसरों से अलग है। अर्थात हम ये जानना चाहते हैं कि कोई कवि या कोई रचनाकार जब लिख रहा है तो क्या वो पहली ही चीज़ें तो हमें नहीं बता रहे जिन्हें हम जानते हैं। जाहिर है कि वो हमारे लिए एक नई दुनिया खोल रहा है और शमशेर एक कवि के तौर पर निश्चित रूप से नई दुनिया का परिदर्शन कराते हैं। पर उनका गद्य और अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहना बड़ा कठिन है कि क्या उनकी कविताएं महत्वपूर्ण हैं या उनका गद्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका गद्य भी कम विस्मय में डालने वाला नहीं है। उनके गद्य से जो चीज़ें उभर करके आती हैं, उन चीज़ों से हमें दुनिया भर की नई सूचनाएं मिलती हैं। अजीब सी बात है, शमशेर अखबार नवीस नहीं है कि वो नई खबर दें आपको, लेकिन आप पश्चिमी कवियों को जानने की जो दृष्टि विकसित करते हैं वो भी शमशेर के ही हाथ में है, वो हमें दिखाते हैं। और मुझे थोड़ी सी एक चीज़ उधार लेनी पड़ेगी, कट्टमणि जी से उन्होंने बेंद्रे का उदाहरण दिया। ये संयोग ही है कि बेंद्रे भी दो भाषाओं में लिखते थे, कन्नड़ में और मराठी में। और ये संयोग है कि ख्यात जिन दो भाषाओं में शमशेर हुए हैं, उर्दू में और हिंदी में, वो भी दो भाषाओं में लिखते थे। मुझे ये लगता है कि जितनी भी बड़ी प्रतिभाएं हैं वो शायद किसी एक भाषा में महदूद नहीं रहती, वो भाषाओं को संक्रमित करती चलती हैं, भाषाओं से परे होती जाती हैं। और इसलिए शमशेर के बारे में तो आसानी से ये समीकरण दिया जा सकता है कि शमशेर किसी एक भाषा के कवि नहीं हैं। आप जिसने अपनी जुबान में उनको तर्जमा कर लें तो फिर आपके कवि हो जाएंगे, क्योंकि आपकी भाषाओं की जो संपदा है उसमें बढ़ोतरी शमशेर की वो सृजनात्मक प्रतिभा करती है जो नए से नए बिंब, मोटे तौर पर कहें, या नई से नई उपमाएं और स्थूल रूप से कहें तो कहेंगे कि भाषिक संरचनाओं का जो सारा खेल है उस खेलते हुए वो एक पहले दर्जे के खिलाड़ी हैं। मित्रों, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोगों का सौभाग्य तो ये भी है कि प्रोफेसर नामवर सिंह ने सुबह हमें एक बहुत अद्भुत फिल्म दिखाई जिसे शमशेर की जीवनी से जोड़ा जा सकता है कि शमशेर शुरू में कैसे मिले और उसके बहुत आत्मीय और कहना चाहिए कि लाक्षणिक, ये शब्द में जानबूझ का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें कि शमशेर और नामवर जी की जो आत्मीयता है, जो एक अविभाज्य किस्म की चीज़ है कि वो आखिर में जब नामवर जी मिलते हैं तब भी उनको सैयद कह के पुकारते हैं।
हम लोग तो नामवर जी के नज़दीक जाने के लिए बहुत सारे ऐसे समीकरण गढ़ निकालते हैं कि उनका नाम तक हम लोगों ने मौलाना पंडित नामवर सिंह अग्रवाल रखा हुआ है। अब वो भी जानते हैं इस बात को, बहुत सारे मतलब इतने, इसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं हमारी ही सभ्यता के, हमारी संस्कृति के, हमारे समय के, हमारी इन दो सदियों के, वो ऐसे लोग हैं जो कि सचमुच साहित्य के प्रति जिनका लगाव जो है वो व्यावसायिक लगाव नहीं है। साहित्य के प्रति उनका लगाव किसी प्रकार से कोई वर्चस्व प्राप्त करने का लगाव नहीं है। साहित्य के प्रति उनका लगाव किसी तरह से किसी स्वार्थ से जुड़ा नहीं है। आप, हम तो अक्सर नामवर जी को बहुत उनकी आलोचना करते हैं और उस आलोचना में इसलिए आनंद आता है कि देखते रहते हैं कि नामवर जी को कहीं से बुलाया है, मुझे कहा कि नामवर जी फ़ोन पे नहीं मिल रहे, अगर तुम पता करो तो उस दिन वो फ्री हैं। और मैं भी बड़ी फ्रीली, बड़ी उन्मुक्तता से डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ और मुझे वो झिड़कते नहीं है कि तुम वक्त बे वक्त तुम ऐसे, मुझे अगर मैं आराम कर रहा हूँ तभी तुम्हारा फ़ोन आ जाता, आज तक कभी नहीं कहा हूँ। उनका हाँ, मैं डायरी देखता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। ये असल में ये जो तहजीब है, ये जो तहजीबी हिस्सा है जो साहित्य से हमें प्राप्त होता है, और अगर नहीं आपको अब तक प्राप्त हुआ तो प्राप्त करिए उसको, ये असली सरमाया है। इसी से हम फिर साहित्य को देखने की दृष्टि पाते हैं, इसी से हम उस सृजनात्मक जो बहुत भूल भुलैया है उससे रास्ता पाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है कि शमशेर जो है वो भी उसी पीढ़ी के, उसी युग के, उसी दौर के, उसी वक्त के, उसी जद्दोजहद से भरे हुए हिंदुस्तान को नारकीय जीवन देने वाले उन दौरों के शमशेर भी गवाह हैं, रहे हैं, पर फिर भी वो सपना, एक बड़ा सपना देखते रहे हैं। और हिंदुस्तान का वो बड़ा सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम दो भाषाओं में वावस्ता न हों। और ये संदेश जो है ये बहुत सटीक और बहुत साफ और बहुत बिना, ये इतना कहना चाहिए हिंदी का अगर मुश्किल शब्द इस्तेमाल करूं जिससे कि फिराक साहब बहुत परहेज करते थे, वो कहते जब मतलब से काम चल जाता है तो प्रयोजन कहने के क्या मतलब है, तो मैं यथेष्ट कहूँगा क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है कि वो उसे अबेंडेंस में अंग्रेजी के शब्द में कहाँ प्रयुक्त करूँ और क्या करूँ। लेकिन ये जो शमशेर को याद करने की ये जो यादगार संगोष्ठी है, इस यादगार संगोष्ठी से बहुत सारे दूसरे कोण निकलते हैं। और अब जैसे मैंने आपसे दरियाफ्त किया था और दरख्वास्त की थी कि शमशेर के यहाँ जो एक तहजीबी रवैया है वो उनके अपने जाति तौर पर उनके आचरण में वो घटित होता है, जैसे कि प्रोफेसर नामवर सिंह ने भी बताया और हम ताज़ा मीणा जी से भी हमने सुना कि वो किस किस्म के आदमी थे। और साथ ही साथ ये हमारे बहुत गहरे हमारे मूल्य विधान से जुड़े हुए हैं, इनसे, इनके बिना हमारा वजूद कुछ नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर हम नहीं हैं। तो हम हों और हम होकर आगे बढ़ें, इसकी एक तलाश करनी चाहिए। और मुमकिन है इस सिलसिले में हमें शमशेरी मदद करेंगे। मित्रों, ये कहना बहुत नाकाफ़ी है कि हम शमशेर के बहाने बहुत सारी दीगर चीज़ें जो कंक्रीट चीज़ें उनके बारे में बात करें, पर बिना उनके भी हमारा काम पूरा नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और दक्षिण भारत प्रचार सभा, इन दोनों ने ये काम किया है, तो फिर इन्हीं की जिम्मे ये काम सौंपते हैं दूसरा वाला कि देखें हिंदी और उर्दू की ये जो एक धारा है इसके विकास के क्या क्या नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। आइए अगली गोष्ठियों में, अगले वक्त में, आगे आने वाले वक्त में इस पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।